जब से पारसनाथ के मैटर में आंदोलन ना फैल है, जब तक पारसनाथ के बात ना, तबे से हमने कह लिया है हमारी पहचान, हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। अब लोग सुने होंगे आप सोशल मीडिया अथवा पेपर अथवा चैनल के माध्यम से कि पारसनाथ पहाड़ में कुछ आस्था विशेष समुदाय विशेष के लोग मने पूर्ण अधिकार, बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनके कुछ प्रतिबंध की बात आप सुने होंगे। एक बात सीधा सा बात है आपको कि जब से उनकी आस्था का आरंभ नहीं हुआ था तब से हमारा पारसनाथ में आस्था का केंद्र है, और हमारे जो राड़ सभ्यता में कहा भी गया है सीख शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर, हमारी जो राड़ संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं पारसनाथ का। उसके बाद आज जो लोग बात करते हैं, कभी आपने देखा है आज जो लोग कहते हैं कि पहाड़ हमारा है, उन्हें बुलाइए और किसी पेड़ की पत्ती को, किसी पेड़ की किसी जड़ को दिखाइए और बोलिए इससे क्या लाभ होगा, क्या वो बता सकते हैं? हमारे गांव के किसी बूढ़े को जो हमारे दादाजी नानाजी रिश्ता में लगते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दिखाइए, वो एक पत्ता को देखने के बाद बोल देंगे कि कटने में कौन काम आएगा, पेट दर्द में कौन काम आएगा और माथा दर्द में कौन काम आएगा। आप कहते हैं पारसनाथ आपका है, आप मने आस्था के नाम पर एकाधिकार करने की बात करते हैं, आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, परिसर में ये नियम लागू हो, समस्त पहाड़ में, इसलिए नहीं क्योंकि समस्त पहाड़ के बारे में आपको खुद जानकारी नहीं है कि पहाड़ में कई गो छोर है, कई गो गांव है और कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए और एक बात सीधा जानिएगा, अगर ये पहाड़ इन पर यदि हमारा अधिकार नहीं रहा तो एक दिन हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज लोग कहते हमारा है, उनसे पूछिए कितना आंदोलन उन्होंने किया है जंगल बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, कितना आंदोलन किया उन्होंने पहाड़ बचाने के लिए, कितना आंदोलन किया उन्होंने झारखंड आज अलग करने के लिए, और हम गिनाए क्या, हम गिनाए वीर टाँड से शुरू कीजिए, इतना मने लाश मिलेगा तो चाची डुमरी घूम के आइए जो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन हमारा गर्दन कटे हुए लोगों की संख्या खत्म नहीं होगी। इस पहाड़ को बचाने के लिए हमने स्पष्ट कहा है कि आज हमने जो तक परिचय दिया ये संदेश कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, क्योंकि मीडिया हमारा जो नेशनल मीडिया है वो कभी हमारा सहयोग नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए पता है झारखंड के लोग ये लोग गंवार है, शैतान है, माने हमारे लिए उनके हमारे जीवन को उनके पास कोई वैल्यू नहीं है, वरना आज तक रहे या कोई और चैनल रहे उसको दोनों पक्ष को दिखाना चाहिए था, उसे दोनों पक्ष का छापना चाहिए था, लेकिन आज एक पक्ष को छापा जा रहा है। तो इसलिए उन मीडिया वालों के लिए हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अंदर अंदर संदेश जाएगा आज केंद्र तक कि आप पारसनाथ के निर्णय में एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि और एक बात, जितने भी यहाँ खेतीहर लोग हैं, जो लोग खेती करते हैं खासकर जो निमिया घाट के आसपास डुमरी के हिस्से में या फिर चाची के हिस्से में जो लोग खेती करते हैं, आप थोड़ा याद कीजिए जब हम लोग का अघन का महीना में खेती कंप्लीट होता था तो हम लोग अपना जो काड़ा गोरु था उसको जंगल में छोड़ के आते थे, याद होगा आपको, जब हम लोग का खेती हो जाता था जंगल में खरिहान करने के बाद हम लोग जंगल में छोड़ के आते थे, और उसको फिर 4-5 महीना बाद जब हम लोग का सावन का महीना उससे एक महीना पहले ही उतर जाता था या हम लोग उतारने जाते थे। पहाड़ से हमारा अस्तित्व है, इस पहाड़ से हमारा वजूद है, ये पहाड़ हमारे लिए रोजी रोजगार का साधन है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी परंपरा, ये हमारी पहचान का साधन है। रेडियस का है मांगा लगा था, ठीक है सबेन शांति से जीवा, और निवेदन रहता है कि महिला बुजुर्ग और बच्चा के ख्याल रखवा, जितना भी महिला सवाल है माए मौसी काकी जेठी अखनी के सुरक्षा देवा,
छोटा छोटा बच्चा के लगे सुरक्षा देवाग और बुजुर्ग तो सुरक्षा देवाग तो सह खातिर देख पहाड़ में हमने कैन पी आर भेलवा मिला है ना समय में करिल मिला है ना करिल मिलवे कर समय में कैन पी आर भेलवा मिलवे कर है हमने हॉस्पिटल बाद में पहले पहाड़ जाइए जाए ना हमने हॉस्पिटल बाद में पहले पहाड़ जाइए कहे नहीं जड़ी बूटी पावा है यहाँ के पत्ता से यहाँ के गाछ के छाल से पत्ता से मने तोड़ जाए के कोई फल से हमने औषधि बनवाई है हमने दवा बनवाई है और जनता हमने के जीवन बचवे काम करा है तो सह खाते देख ले आज अगर पहला बात अभी तक तो पॉजिटिव मैसेज है अभी तक सकारात्मक है लेकिन गलती से भी अगर सरकार अगर एक तरफा निर्णय सुनते है तो याद रखिया जल जमीन जंगल हो तबे हमनी है जल जमीन जंगल हो तबे हमनी है कहे हर एक बात सीधा बांध ले अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रहा है तो ऑस्ट्रेलियन कहले कोई दिक्कत है कि कोई कनाडा में रहे तो कनाडियन कहले दिक्कत है कि कोई अमेरिका में रहे तो अमेरिकन कहले दिक्कत है कि तो यदि हमें पहाड़ में ही है तो पहाड़ धरिया कहले कोई दिक्कत है कि पहाड़ी लगी तो पहाड़ धरिया हमने पहाड़ी लगी हमने पहाड़ी लगी बस हमने पहाड़ी लगी स्वीकार कर तो कि हाँ भाई हमने पहाड़ धरिया लगियो हमने जंगली लगी हमने जंगली लगी आदिवासी लगी आदिवासी हमने जीवन यापन व्यवहार तो हमने के लोग बीच में हमने शहरी भाई गए हमने बड़का बड़का बढ़िया डिजाइन कपड़ा पीने लगे डिजाइन के खाए लगले तो हमने के जंगल से महत्व कम हो गए और साथ साथ देख बीमारी भी अलो कि नहीं अभी यदि हमने रोज पहाड़वा चढ़ते हैं तो मोटापा कम भेतलो कि नहीं कम भेतलो कि नहीं बीमारियन कम भेतलो कि नहीं भाई पहाड़ धरिया लगे यानी बीमारी से दूर है तो सही खातिर एक बात कान से एकदम रखा पहाड़ हमने लगे अगर पहला अधिकार हमने हमने यहाँ से आज जितना आज तो जितना भी आसपास के हाट हो तीसरी के हाट तोपचाची के हाट लिमिया घाट के हाट हरलाडी के हाट चिरकी के हाट या राजगंज के हाट वहाँ जो देख ले दोना बेचे तो वहाँ पत्तल बेचे तो कहाँ से यह जंगल से और बेचे वाला के हमने माए हमने मोती हमने काफी हमने तो हमने गिटा आर्थिक के भी आर्थिक स्थिति भी निर्भर है वो तो सही खातिर एक बात सीधा जाना पहाड़ हमने लगे बाकी हमने सदैव सब के आस्था सम्मान कर लिए और ये उन लोग को इनका एक बीता जमीन नहीं हले हले की हमने लोग क्या दिले तो कान खोल के तो सुन ले आप किसी परिस्थिति में एक बीता जमीन आपको कुकुरों नहीं देना हो हमने पुरखा में साफ कह लो कि बाहर के लोग के दोना दी कोना नहीं दी है आज हमने कोना दे दिले आज अकनी को कि हमार लगो और नहीं लगो कोई नक्सली लगे कोई अराजकता फैल में है आज हम ये कहो कि नहीं लो कि दोना दिए कोना नहीं दिए अब कान खोल के सुन ले एक कोना पोखरो नहीं दिए पहाड़ बचाना हो जंगल बचाना हो जमीन बचाना हो बाकी गला हम निकला एक से हम निकल रोजी रोजगार चल है ये हमारे आस्था के केंद्र लगे हमारे सभ्यता के आधार लगे हमारे संस्कृति के आधार लगे निकला के बचा के रखना हो ध्यान नहीं दी दो चार गो मिल ली तो हम झारखण्ड के लॉक में तो लेल मिलते